सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। फॉक्सवैगन ने अपनी न्यू कॉम्पैक्ट सॉफ्टी क्रॉस को नीदरलैंड में हुए एक इवेंट में पेश किया। यह एसयूवी फॉक्सवैगन के एमक्यूबी शून्य प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। कंपनी की अब तक की यह सबसे छोटी सब है। फॉक्सवैगन ग्रुप न्यू इंडिया 2.0 स्ट्रेटजी के तहत एमक्यूबी शून्य और द एमक्यूबी शून्य प्लेटफॉर्म को भारत में भी लॉन्च किया जाना है। इस कार की 2020 तक भारत आने की उम्मीद है। इस कार का मुकाबला भारत की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली सब कॉम्पैक्ट सब हुंडई क्रेटा से होगा। न्यू कॉम्पैक्ट सब फॉक्सवैगन टी क्रॉस की खास बातें। फॉक्सवैगन की इस कार की लंबाई 4.19 मीटर होगी, जबकि यूरोपियन वेरिएंट की लंबाई 4.17 मीटर है। इस कार का व्हील बेस 2.65 मीटर है। लंबाई ज्यादा होने से इस सब में ज्यादा स्पेशियस इंटीरियर दिया गया है। स्लाइडिंग सीट्स होने की वजह से इसमें ज्यादा बड़ा लेग रूम कार्गो रूम मिलता है। एक सटीरियर की बात करें तो इसमें चौड़े हेडलैम्प जो ग्रिल के साथ ही अटैच है। इसकी लेड डीआरएल्स में क्रोम की पतली लाइनिंग मिल जाती है। फ्रंट बम्पर के बॉटम में बड़ी क्लेडिंग मिल जाती है, साथ में सेंटर में फॉक्स एल्यूमिनियम पैनल मिल जाते हैं। साइड व्यू की बात करें तो इसमें साइड में बड़ी क्लेडिंग दी गई है। रियर में टेल लैंप में कुछ लेड एलिमेंट मिल जाते हैं और होरिजोनटल लाइट बार दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड में प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल यूज किया गया है। इसके साथ ही इसमें एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग, ड्राइव मोड सिलेक्टर, पैनोरमिक रूफ, ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट और 10.2 इंच का डिजिटल डैशबोर्ड दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। कार के इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर का सी पेट्रोल इंजन है, जो 128 bhp का पावर और 196 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यही इंजन फॉक्सवैगन पोलो में भी यूज किया गया है। इसके हायर वेरिएंट में 1.4 लीटर का सी पेट्रोल इंजन है, जो 150 hp का पावर और 250 nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं तीसरा इंजन ऑप्शन है 1.6 लीटर का MSI पेट्रोल इंजन है, जो 110 HP का पावर जनरेट करता है। टी क्रॉस 1.0 सी 6 स्पीड मैनुअल गियर से लेस है, वहीं यह 6 स्पीड ऑटो गियर बॉक्स में भी अवेलेबल है। दोस्तों, आपको यह कार कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। किसी के साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह की मजेदार खबरें पढ़ सकें।